एक बार एक लड़का जिसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी और वह लड़का मात्र 18 साल का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर लड़के ने डिसाइड किया कि अब मैं काम करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। वह लड़का गांव के एक मोटरसाइकिल की दुकान पर जाकर काम करने लगता है। दुकान का मालिक उसे काम तो बताता था मगर पैसे बहुत ही कम दिया करता था, पर परिवार के भरण पोषण के लिए वह काम नहीं छोड़ना चाहता था। उस दुकान पर एक और लड़का था जो उससे ज़्यादा पैसे कमाता था। जब यह उससे कुछ पूछता था तो वह उसे काम के बारे में नहीं बताता था और उसका मालिक भी उसे कम बताता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए लेकिन वह लड़का कुछ बोलता नहीं था, बस अपना पूरा समय काम सीखने में लगाता था। एक बार उस लड़के के घर पर उसके रिश्तेदार आए, उन्होंने पूछा, बेटे तुम क्या करते हो? लड़के ने जवाब दिया, अंकल जी बस मोटरसाइकिल का काम सीख रहा हूँ। फिर अंकल ने कहा, तुम क्यों शहर नहीं चले जाते? तुम वहाँ जाकर किसी कंपनी में काम करने लगना, वहाँ से तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे। यह उपदेश देकर वह अंकल अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन वह दुकानदार गुस्से में आकर उस लड़के को मार देता है और कहता है, तुम्हारी औकात क्या है मेरे गैरेज में काम करने की? तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लड़का बहुत निराश होता है। लड़का कुछ नहीं बोलता और धीरे से वहाँ से चला जाता है। फिर वह शहर में जाने के लिए सोचता है, फिर कहता है, मैं शहर में तो चला जाऊँगा पर जाकर वहाँ पर करूँगा क्या? कैसे काम मिलेगा? कौन मुझे काम देगा? 2-3 दिन बाद वह लड़का शहर चला जाता है। काफ़ी परेशान होने के बाद उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है। वह मेहनत के साथ काम सीखता है। कई महीनों तक धक्के खाते खाते एक दिन वह मोटरसाइकिल की कंपनी खोल देता है। फिर उसी कंपनी में एक दिन उसी गांव का वह मालिक काम के लिए आता है। वह उस लड़के को देखता है और शर्म के मारे उसकी नज़र झुक जाती है, पर वह लड़का उसको आदर भाव के साथ काम पर रख लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कंडीशन चाहे जैसी हो, आप अच्छे हो या बुरे, लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तब तक लोगों को आपसे कोई सर्वकार नहीं। ज़िंदगी में सफल होना है तो खुद से ही अपनी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ बड़ा सोचकर आगे बढ़ना ही होगा। अगर सोचो वह लड़का वहीं रह जाता और शहर न जाता तो वह भी एक छोटा सा मोटरसाइकिल दुकान का मालिक ही रह जाता।